क्यों, मैं हूं आपका दोस्त मान भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानव चैनल। साथियों, आज के वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। हालांकि लंबे समय से हमारे शिक्षक साथी इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली प्रमोशन पदभार से संबंधित आदेश जारी हो चुके हैं। साथियों, इन आदेशों को देखेंगे और स्कूल कब एलॉटेड किए जाएंगे, वरिष्ठता कब से दी गई है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। आप प्रतिदिन शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए साथियों, अब हम इस आदेश का देखते हैं क्या दिया गया है आदेश में। जैसे कि लोक शिक्षा संचालनालय गौतम नगर भोपाल से यह आदेश जारी किया गया है। चयन सूची जारी की गई है ये, और चयन सूची जो कि भोपाल में दिनांक 19 जुलाई 2023 की स्थिति में है। वहीं आदेश क्रमांक दिया गया है 74/12/95 मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की राजपत्रित सेवा भर्ती नियम मध्य प्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला शाखा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2016 तथा संशोधन नियम 20/12/2022 के प्रावधानों के अंतर्गत है। उच्च पद का प्रभार दिए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस हेतु गठित समिति की बैठक 10 जुलाई 2023 को की गई थी। कार्यवाही अनुसार निम्न तालिका में कॉलम क्रमांक 3/4 में दर्शाए गए लोक सेवकों को अस्थायी रूप से उच्च पद के प्रभार दिए जाने हेतु चयनित किया गया है। तो साथियों, इन शिक्षकों को किया गया है चयनित। साथ में अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है सरल क्रमांक दिया गया है, यूनिक आईडी दी गई है शिक्षक की, और नाम दिया है, पदनाम भी दिया गया है। मोस्टली यूडीटी की लिस्ट है, और हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया गया था एचएम की भी जो लिस्ट थी, और जो कि हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और साथ में आई बटन में। वर्तमान पदस्थापना और वर्तमान जिला दिया गया है, पदभार का नाम दिया गया है। तो जो यूडीटी को लेक्चरर बनाया गया है, अब इसमें यहाँ पर ये देखना है कि इनको किस सब्जेक्ट का लेक्चरर बनाया गया, ये अलग से सूची आएगी, और साथ में उन्हें स्कूल जो अलॉटेड किए जाएंगे, इसमें स्कूल अलॉटेड नहीं किए गए हैं, तो स्कूल अलॉटेड किए जाएंगे जो कि ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। तो शीघ्र ही पोर्टल पर स्कूलों की सूची जारी होगी और उसके माध्यम से यह काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षक इन्हें ऑनलाइन भरेंगे। तो अभी इन्हें इस पद का प्रभार दे दिया गया, लेकिन स्कूल अलॉटेड नहीं किया गया। तो साथियों, आज हमसे लाइव जरूर जुड़िएगा, रात 9:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग लेकर के आएंगे। और साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विभिन्न जिलों के जो शिक्षक हैं उनका लेक्चरर की पद पर प्रभार दिया गया है। रतलाम जैसे कि हम देख रहे हैं, हरदा, सागर, इन जिलों के, और लास्ट के यह निर्देश देखते हैं, फिर इस सूची को देखेंगे। जैसे कि इस आदेश के आधार पर संबंधित अधिकारी उच्चतर पद श्रेणी के वेतनमान में कोई दावा नहीं कर सकेगा, और ना ही आदेश के आधार पर उच्चतर पद हेतु वरिष्ठता एवं अन्य स्वायत्तों की मांग कर सकेगा। उच्च पद पर प्रभार कार्य करने वाले किसी भी लोक सेवक के भविष्य में पदोन्नति के विचारण का कोई अधिकार एवं किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ते का कोई पात्रता नहीं होगी। पदस्थापना की कार्रवाई के निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो साथियों, स्कूल बाद में अलॉटेड किया जाएगा, इसकी कार्रवाई बाद में होगी, पद कौन से स्कूल में दिया जाएगा। तो यह आदेश है। और साथियों, यहां पर कोई भी जो उच्चतर वेतनमान का दावा भी नहीं कर सकेगा, और साथ में वरिष्ठता का भी दावा नहीं कर सकेगा इसके आधार पर, ये इसमें दिया गया है। अब साथियों, यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये जो शिक्षकों की सूची आई है वो किस सन के हैं, यानी आरंभिक सन के ही रहे होंगे, और साथ में और जो इन्हें किस बेस पर, यानी इनका जो लेक्चरर वाली पोस्ट दी गई, तो किस सब्जेक्ट के आधार पर इन्हें उन स्कूलों को एलोटेड किया जाएगा। तो इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी हम अगली वीडियो में लेकर के आते रहेंगे। साथियों,